अथर्व वेदी मांडू उपनिषद के उपोद्घात के ऊपर भगवान शंकराचार्य द्वारा लिखा हुआ उपोद्घात के ऊपर विचार करते हुए हम लोग दो श्लोक पढ़ेंगे। भगवान शंकराचार्य यहाँ पे श्लोक के माध्यम से उपोद्घात के माध्यम से अनुबंध चतुष्टय को भी दिखाया कि इसका अधिकारी कौन होगा, इसका लिखने का प्रयोजन क्या है, इसका विषय क्या है और इसके साथ संबंध क्या है। इतना कथन करने के बाद फिर जो है यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये उसको उपयोगिता को कैसे सिद्ध करते हैं। आपने कहा कि ये जो है नित्य सिद्ध वस्तु है आत्मा, तो यदि ये सिद्ध वस्तु होगा तब इसके लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, तब ग्रंथ लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यदि साध्य वस्तु होगा तो स्वर्ग तरह ये अनित्य वस्तु होगा, तो इसमें हम स्वर्ग से भिन्न इसको चाहेंगे वही ठीक। यहाँ पे इस प्रकार से शंका होने पर तब बोला मोक्ष अपना स्वरूप होने के कारण ये जो है ये नित्य है और स्वरूप होने के कारण भी यहाँ पे केवल प्रतिबंध मिटाने के लिए साधन की आवश्यकता है और बाकी मुक्ति के लिए तो साधन की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति नित्य सिद्ध स्वरूप है। कल जो हम लोग पांच नंबर टिप्पणी पढ़ रहे थे न च अनित्यत्वम् दृष्टांत के अधीन थे। एक व्यक्ति कुछ बीमार पड़ा, बुखार आया, देवदत्त नामक व्यक्ति को जो बुखार आया था थोड़ी दिन में बुखार ठीक हो गया, फिर जो है वो स्वस्थ रूप में घूम रहे हैं। तो उसका स्वस्थ तो स्वस्थ पहले भी था और अभी जो क्या हुआ कि वो बीमारी हट जाकर और स्वस्थता को प्राप्त किया जो अपना स्वरूप था, इसीलिए वहाँ पे जो है अनित्यत्व के प्रश्न नहीं होता। यहाँ पे बोलते हैं कि न जो अनित्यत्व स्वस्थताया संकेत, अस्वस्थता में अनित्यत्व की अनित्यत्व की शंका नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे थे पांच नंबर टिप्पणी, ठीक है। हमें क्या दिखाई देता है, आज हम बीमार पड़ा कोई दवाई खाया तो ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ूंगा ये तो नहीं है, हम फिर दोबारा बीमार पड़ सकते हैं। किसी प्रकार अभी हमने किसी बीमार दवाई ले करके मुक्ति को अनुभव कर रहे हैं फिर बंधन में आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। दृष्टांत राष्ट्रांत समता दिखाने को अब उसको कितना हिस्सा को निराकरण करने के टिप्पणी कार्य बोल रहे। पेज सात में हमारे पुस्तक में पेज सात आपके पुस्तक में लेके हमारा सात ही है अभिव्यक्ति एक कार्य है ना, मतलब किसी आपने कोई दवाई खाया तो दवाई खाने से आपका स्वस्थ अभिव्यक्त होगा, किसी का दवाई का कार्य होना चाहिए होता है। अभिव्यक्ति एवं कार्य देना तद विशिष्ट स्वस्थ आया
अभिव्यक्त के द्वारा मान अभिव्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त हुआ क्या स्वस्थता, तो अभिव्यक्ति विशिष्ट स्वस्थता का अभिव्यक्ति तद विशिष्ट स्वस्थताया अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति विशिष्ट स्वस्थता है उसका भी तथा मतलब कार्यतम कार्य मतलब क्या जो कार्य होता है ठीक है। इस पंक्ति का अभिव्यक्ति एवं अभिव्यक्ति एक कार्य है, दवाई खाने से आपका स्वरूप अभिव्यक्त कार्य होगा, अभिव्यक्ति के द्वारा विशिष्ट जो कार्य होगा कार्य होगा अभिव्यक्ति विशिष्ट स्वस्थता है, उस स्वस्थता में भी अनित्वता में दिखाई पड़ता है आज स्वास्थ्य है कलस्टस को लेकर भी इसमें अभी तथत्तम तथत्तम तक कार्यत्तम अभिप्रे का अनित्त ऐसा शायद इति एव नच अनित्तत्तम स्वस्थताया शंकर स्वस्थता में अनित्तत्व की शंका नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। विशेषे असंभवा विशेषण मात्रे पर्यवस्यति साधत्तम इति भाव। विशेष क्या है, विशेषण क्या है यहाँ पे अभिव्यक्ति विशिष्ट स्वस्थता, अभिव्यक्ति विशिष्ट स्वस्थता तो अभिव्यक्ति हो गया विशेषण स्वस्थता हो गया विशेष ठीक है ना। आप देखिए विशेष स्वस्थता में असंभव होने के कारण भी विशेषण मात्र विशेष टाइम में तो अभिव्यक्ति में तो कार्य तो बैठा हुआ ही है ना, इसीलिए बोलते हैं वो अनित्य साध्य इसमें भी हो जाएगा, ये भी साध्य हो गया भाई इसके अंदर भाव। और भी देखो किंच अब हमारे उत्तर के बोलते हैं किंच प्रतिबंध ध्वंसस्य एव अभिव्यक्तित्व, अभिव्यक्ति मतलब क्या है जो आपका प्रतिबंध था वो ध्वंस हो गया ठीक है ना। प्रतिबंध ध्वंसस्य एव अभिव्यक्तित्व आपके जो प्रतिबंध था क्या हुआ था ऊपर से कुछ आ गया था, हमने अपने को मनुष्य मान लिया तो ये प्रतिबंध था अपने ब्रह्मत्व बोध में वो क्या हुआ शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य सुनकर के नाश हो जाने पर प्रतिबंध ध्वंसस्य एव अभिव्यक्त हमारे स्वरूप का अभिव्यक्त हो गया। ध्वंसस्य च ध्वंस अभाव ध्वंस का भी ध्वंस होता कि नहीं, ध्वंस का भी ध्वंस होता कि नहीं, हाँ क्योंकि जो नाश हो गया उसका फिर क्या नाश होगा। ध्वंसस्य च ध्वंस अभाव जब ध्वंस का ध्वंस हो जाए तब क्या हो जाएगा फिर वो उसके उत्पन्न में लग जाएगा उत्पन्न में होता भी ऐसा है कि ध्वंसस्य च ध्वंस अभाव न विशिष्टस्य अपि विनाशित, इसीलिए विशिष्ट होते हुए भी उसमें विनाशित तो नहीं आएगा क्योंकि ध्वंस का ध्वंस नहीं होता तो नाश हो गया वस्तु विद्यमान वस्तु के नाश होता है जो ध्वंस हो गया उसका भी ध्वंस कैसे होता है, इसलिए बोलते हैं ध्वंस अभाव ध्वंसस्य च ध्वंस अभाव न विशिष्टस्य अपि विनाशित, विशिष्ट होते हुए भी उसका विनाशित तो नहीं आएगा। इदम तु अवधेयम इसको इस प्रकार से समझना चाहिए, इसको इदम तु अवधेयम ऐसा समझना चाहिए रोग उत्पत्ति पुनः कैसे लिख दिया वहां पे पुनः क्यों आगे तो पुनः और यहाँ पे पुनः रोगांतर उत्पत्तो पुनः रोगांतर उत्पत्तो ये जो पुनः था पुनः विसर्ग था अकार के बाद विसर्ग आगे रो आया हुआ है हर तरीके रो होगा होने के बाद क्या हो जाएगा कि आपका वो ये लोग से एक प्रकार का रूप हो जाएगा पूर्व से दीर्घमान हाँ हाँ फिर क्या हो जाएगा ढीर रूप के पूर्व से दीर्घमान संभव हो सकता है वहां पे ऐसा संभव होने पर भी दृष्टांत दृष्टांत में एक भिन्नता है। दृष्टांत में तो आप जो बोल रहे हैं वह स्वीकार नहीं करते हैं कि एक बार हमने बीमार पड़ा था दवाई खाया ठीक हो गया पर दोबारा बीमार नहीं पड़ोगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है, परंतु यहाँ मुक्ति हमारा स्वरूप और अनादिकाल से आ रहा है ये बंधन। अब एक बार वो बंधन मतलब वो जो हमारी भ्रांति वो मिट जाने पर दोबारा हम भ्रांति नहीं दोबारा भ्रांति नहीं इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं पुनः रोगांतर उत्पत्त अनभिव्यक्ति अंतर संभव अनभिव्यक्ति उस टाइप अनभिव्यक्ति का संभव होने पर भी
मोक्षे तु एकस्य एव अनादि अज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वेन सकृत् अवगमिष्यति न पुनः अनभिव्यक्ति अंतर अवकाश इति नित्यत्वम् एव मुक्ते इति। ठीक है, समझ में? यहाँ पे क्या बोलते हैं, पुनः रोगांतर उत्पत्ति, दोबारा रोगांतर उत्पत्ति होने पर अनभिव्यक्ति अंतर संभव है, दोबारा वो अनभिव्यक्त हो जाएगा, ऐसा होना संभव होने पर भी किसमें? शरीर शस्त्रत अशस्त्रत प्रज्वलित। मुक्ति में तो क्या होगा, मोक्ष हेतु मुक्ति के भिन्नता को दिखाने के लिए तू एकस, वो एक बंधन भी एक है, अविद्या भी एक है, शरीर की अस्वस्थता अनेक अस्वस्थता अनेक प्रकार की हो सकता है, कभी बीमार, कभी पेट खराब, कभी और कुछ, कभी और परंतु यहाँ पे जो अविद्या है वो एक ही उसे मोक्ष भी इसलिए एक ही होगा, इसलिए बोलते हैं मोक्ष हेतु एकस्य एव, वो एक ही है जो अनादि अज्ञान, जो मुक्ति क्या है, अनादि अज्ञान रूपी प्रतिबंधक का नाश, अनादि अज्ञान रूपी प्रतिबंधक का नाश को यह मुक्ति बोलते हैं, कोई ज्ञान है ज्ञानी मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति है ज्ञानी मुक्ति है, इसीलिए बोलते हैं अनादि अज्ञानस्य प्रतिबंधकत्वेन, वो अनादि अज्ञानी एकमात्र प्रतिबंधक था, सकृत अपगमे एक बार मिल जाने पर अपगमिष्यति, सभी शब्द में कंडीशन है, एक बार जब मिल जाता है न पुनः अनभिव्यक्ति, फिर दोबारा वो जब दबता नहीं है, दोबारा वो ढकता नहीं है, और आपको जिस जगह पे मान लीजिए मरुभूमि में आप कई बार राजस्थान गए, आपने एक बार वहाँ पे जल बालू में जल की भ्रांति दी, जल होने के बाद आपने पानी पीने के लिए गए तो आपको समझ में आ गया, किसी ने कह दिया वहाँ पानी नहीं है बालू है, आप कई बार जाते हैं देखते हैं वहाँ पे तो फिर आपको पानी में उसको बालू में सतत तो पानी है ये वृद्धि नहीं होगी, यानी अज्ञान मिटने का ये लाभ है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि पुनर्अनभिव्यक्त अंतर अवकाश इति, इसलिए नित्यत्वम एव मुक्ति है, मुक्ति नित्य ही है, वो पहले से भी नित्य था, पहले से भी विद्यमान था, केवल अनभिव्यक्त अभिव्यक्ति को लेकर हुआ, अनभिव्यक्ति के कारण था अनादि अविद्या, वो एक ही है, एक प्रकार का या एक ही है, फल क्या था एक बार नाश होने पर फिर दोबारा नहीं आता, बीमारी तो अनेक प्रकार की हो सकता है, ये दोनों में दृष्टांत दर्शन में नैनं प्राप्तो विमुञ्चति, भगवद गीता ग्रंथ में बोलते हैं चित्तासम अंत काले भी अंतिम समय तक वेग पर आपको ज्ञान प्राप्त होता है, एक ही कभी व्यभिचार नहीं है, ये अभिप्राय है। ठीक है, पांच नंबर टिप्पणी हो गया, आप जो है इस पंक्ति को देखिए उसके आगे कि तस्य तस्य तद असाध्यत्व इति उक्ति अर्थ दृष्टांत महमत, कि जो मुक्ति जो है ज्ञान साध्य नहीं है, इस विषय में दृष्टांत को दिया था रोगातस्य इव, अब इसके आगे की पंक्ति टीका में मिला यथोदितो दृष्टांतो अनुरोधा, जो दृष्टांत यहाँ पे दिया गया है वो दृष्टांत के आधार पर यथोदितो, जिस प्रकार दृष्टांत के यहाँ पे कथन की उदित मतलब कथित बद्ध धातु से बंध निष्ठा बद्ध धातु से बंध संप्रेषण हो जाते हैं, तो यथोदितो दृष्टांत अनुरोधा आत्मन स्वत समुत्खात निखिल दुःखस्य, दुःखस्य जो है आत्मा, आत्मन मतलब आत्मा का षष्ठी एक वचन है, तो अपने निखिल दुख से आत्मा में क्या है, संपूर्ण दुख की उत्खात है, आत्मा में दुख नामक वस्तु रह गई, इसलिए मैं बोलते हैं कि समुत्खात निखिल दुख से आत्मन निरतिशय आनंद एक तानस्य, केवल इतना ही दुख नहीं, ये बात नहीं है, सुख स्वरूप है, है ना, निरतिशय सुख जिसमें कोई तारतम्य का नहीं है, उस सुख में विशेष सुख में तारतम्य किसे बोलते हैं, निर्तिशय आनंद एक तानस्य, जो एक फ्लो, एक फ्लो है, एक रूप है वह हमेशा, अभी स्व अविद्या प्रसूत अहंकार आदि द्वैत प्रपंच संबंधा, ठीक है ना, अपने ही अज्ञान के कारण अपनी व्यापकता को छोड़ करके हम अपनी परिच्छिन्न अहंकार की मान्यता देते हैं, इसलिए बोलते हैं स्व अविद्या प्रसूत अपने अज्ञान से प्रतिष्ठ रूप से उत्पन्न हुआ, क्या हो गया, अहंकार, अहंकार से बुद्धि परिच्छिन्न बना देते हैं, पहले अपने को परिच्छिन्न बना करके फिर भेद देखना शुरू होता है, वो हमसे अलग है, हमसे अलग ही होता है, इसलिए बोलते हैं स्व अविद्या प्रसिद्ध अपने ही अविद्या से उत्पन्न हुआ अहंकार आदि, अहंकार जिसका फाउंडेशन है, मैं मनुष्य हूँ ये जो है उसका आदि है, फर्स्ट में द्वैत प्रपंच, उसी से द्वैत प्रपंच के साथ संबंध होने के कारण आत्मनि दुःखं आरोप्य, आत्मा में दुख का आपने आरोप किया, जैसे ही आपने अपने को परिच्छिन्न बना लिया, वो
वही आपने दुख का बीज बो दिया। जैसे अब उपाधि में तादात्म करके जैसे हमने अपने को परिच्छिन्नता की मान्यता दी, हमने दुख के बीज बो दिए, आप उसकी वृक्ष फैल कर। इसलिए हम बोलते हैं दुखम आरोप्य अहम दुखी, मैं तो दुखी हूँ। और सुख यद्यपि मन की धर्म है तो फिर भी आत्मा के द्वारा प्रकाशित होता है साक्षी के द्वारा, वो हम साक्षी धर्म असाक्षी को आरोप कर देते हैं। अहम दुखी सुखम मया प्राप्तव्य, मुझे सुख प्राप्त करना चाहिए, मुझे सुख प्राप्त करना चाहिए। यदि प्रतिबद्ध मानस से इस प्रकार समझने वाले व्यक्ति का जब वो सुख कैसे प्राप्त करूं, अपने अपने मतलब सामर्थ्य में जितना कुछ है वो हमने सब कुछ करके देख लिया। दे परीक्षा लोकान कर्म चितान ब्राह्मण निर्वेद माया नास्ति अपने तपिते, अपने शास्त्रीय कर्म के लौकिक कर्म के सब कर्म करने का बाद जब अपने परीक्षा करके देख लिया कि नित्य सिद्ध वस्तु किसी कर्म साध्य कर्म के द्वारा साध्य नहीं हो सकते। परीक्षा लोकान कर्म चितान ब्राह्मण निर्वेद माया नास्ति अकृत कृते, तो क्या करते हैं तद विज्ञानम सब गुरु में अधिगच्छे, उसको जानने के लिए गुरु के पास जाते। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं परम कारुणिक आचार्य के पास जाकर के उपदिष्ट वाक्य उत्थान आचार्य के पास गया, विधि पूर्वक आचार्य के पास जाकर के आचार्य के द्वारा उपदेश किया जाए जो वाक्य, उस वाक्य उत्थान उस महावाक्य से उत्पन्न शुद्ध अंतकरण में उत्पन्न होता है जो ज्ञान। इसलिए बोलते वाक्य उत्थान अद्वैत विद्वांत भेद रहित जो बोध, अद्वैत विद्वांत सजातीय विजातीय संगत भेद से रहित जो बोध, उससे क्या होता है द्वैत निवृत्त औषधि द्वैत प्रपंच का निवृत्ति हो जाने पर, यही हो गया प्रतिबंध ध्वंस है, ठीक है ना। प्रतिबंध प्रध्वंस तब क्या हो गया प्रतिबंध जब प्रतिष्ठित से ध्वंस हो जाने पर स्वभाव होता परमानंदता, अपने स्वरूप भूत जो परमानंद है वो परमानंदता और निरस्त समस्त अनर्थता च, है ना। और क्या हुआ दुख आपका परिच्छिन्न बुद्धि नहीं है, समस्त जितना हमारी जो अनर्थ की हेतु था भेद बुद्धि और भेद जाने के कारण सारा अनर्थ भी नाश हो गया। इसलिए बोलते हैं निरस्त समस्त अनर्थता च, समस्त अनर्थ का निराश हो जाने के फलस्वरूप स्वारस्येन अपने स्वरूप से ही स्वारस्येन अभिव्यक्त भवति, अपने स्वरूप से ही हो जाए पूर्णता की अभिव्यक्ति हो जाती है, शुद्धता पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। पूरा पंक्ति को देखिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने से समझ रहे हैं, यहाँ पे अलग अन्याय नहीं है, जिस क्रम से लिखा उसी क्रम से अर्थ को समझिए, ठीक है। यथोदितो दृष्टान्त अनुरोधात् आत्मनः सतो समुद्घात निखिल दुःखस्य, आत्मा वास्तविक आत्मा में दुख का स्पर्श मात्र भी नहीं है, दुख है हमारे परिच्छिन्नता में अंतकरण में जो दुख की भ्रांति अंतकरण, वो आत्मा साक्षी उसका प्रकाश होने के कारण उसका धर्म अपने में आरोप कर लेते हैं, परंतु अपने को दुखी मानते हैं और कई प्रकार से दुख निवृत्ति के लिए उपाय ढूंढ करके जब बेचारा विफल हो जाता है तब किसी गुरु के पास जाकर पूछते हैं कि निर्दिष्ट आनंद में रहने का तो दुख निवृत्ति का उपाय क्या है, तो वेदांत श्रवण मनन के बाद जब उसके अंदर तत्व अभिव्यक्त महावाक्य से उत्पन्न होता है ज्ञान। इसलिए स्व अविद्या प्रसिद्ध अहंकार आदि द्वैत प्रपंच से संबंध आत्मने दुखम आरोप्य, उसमें आत्मा ने दुख का आरोप करके अहम दुखी सुखम मया प्राप्तव्य, मैं दुखी हूँ मेरे को सुख प्राप्त करना चाहिए, इस प्रकार समझने वाले व्यक्ति का फिर क्या करते हैं गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु जी के पास जाकर के बोलते हैं अधि ही भगव ब्रह्म इति, जैसा भी आया था गुरु जी कृपया मेरे को ब्रह्म का बोध कराइए, मेरे स्वरूप का बोध कराइए। तो क्या करते हैं गुरु जी, वो गुरु जी कैसे है गुरु जी को परम कारुणिक आचार्य दृष्ट है ना, समझ जाते हैं कि बेचारा परेशान है दुख है, मतलब संसार से मुक्त होना चाहते हैं, इस पर वो करुणा करके क्या करते हैं उनको शास्त्रों का अवलंबन करके जो उपदेश करते हैं उपदिष्ट वाक्य उत्थान उपदेश किया गया जो वाक्य उस वाक्य से उत्पन्न होता है क्या होता है अद्वैत वाक्य उत्थ अद्वैत वेदता तो जो भेद रहित जो अपरक्षण होते ज्ञान, उससे द्वैत निवृत्त द्वैत प्रपंच का निवृत्ति हो जाने पर तो क्या हो गया प्रतिबंध प्रध्वंस, भेद देखना है ना, भेद दृष्टि हमारे प्रतिबंध का एकत्व बुद्धि इसका नाश हो जाने पर स्वभाव होता परमानंदता, अपनी स्वरूप भूत जो परमानंद है उसका और निरस्त समस्त अनर्थता च और समस्त अनर्थ की निवृत्ति सारस्वेन अपने आप ही स्वभाव भूत होकर के अभिव्यक्त भवति अभिव्यक्त हो जाता है। छह नंबर टिप्पणी में सारस्वेन आपका पुस्तक में नंबर चार हो जाता है स्वरूपेण इति अर्थ है ना, स्वरूप से जो है वो अपने स्वरूप भूत होकर कुछ आनंद विद्यमान है वो अभिव्यक्त हो जाए आगे, ठीक है।
सहज सस्थता परिपूर्ण वस्तु स्वभाव न अतिरिच्यते। ये जो सस्थता है मतलब दृष्टांतिक सस्थता और दृष्टांतिक सस्थता। दृष्टांतिक सस्थता है विमर्श से निकालना और दृष्टांतिक सस्थता मतलब सस्मिन स्थिता सस्थता स्वरूप में स्थित। इसलिए इन दोनों में भिन्नता, इसलिए ईर्ष अपने स्वरूप में स्थित है ना, इसका कभी व्यभिचार नहीं, न अतिरिच्यते का अधिकतम नहीं करती है। इसलिए बोलते हैं साच और सस्थता, ये जो स्वरूप भूत सस्थता है, ये जो है परिपूर्ण वस्तु स्वभाव वाली, इसका स्वभाव है ये पूर्णता के सदृश। रोज बोलते हैं ना पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, परिपूर्ण स्वभाव या परिपूर्ण स्वभाव न अतिरिच्यते, कभी अतिक्रमण नहीं करता, कभी व्यभिचार नहीं करता, हमेशा एक रूपी रहता है। तब इदम शास्त्रीय प्रयोजन, बस यही जो शास्त्र आत्मज्ञान का प्रयोजन करता है, मतलब शास्त्र का यही प्रयोजन है। आपको परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करते फिर अपरोक्ष अनुभूति को धकेलता है उसको, शास्त्र को जरूर मुझे प्राप्त करना है। तस्य च स्वरूपत्वेन असाध्यत्वात्, ठीक है ना, वो जो स्वस्थता है, तस्य मतलब यहाँ पे जो है स्वस्थता को यदि कहता है यहाँ पे, तब तस्य कहना चाहिए था। ये जो प्रयोजन है ना, ये प्रयोजन शब्द है तस्य च स्वरूपत्वेन, ये जो मुक्ति जो है, अथवा मुक्ति स्थिति में बोलता है ज्ञान तो मन में लेना पड़ेगा, वो स्वरूपभूत होने के कारण, वो अपना स्वरूप होने के कारण तस्य च स्वरूपत्वेन असाध्यत्वा, वो साध्य वस्तु नहीं है, सिद्ध वस्तु है, असाध्यत्वा न अनित्यत्व शंकित, वहां पर अनित्यत्व की शंका नहीं कर सकते ना। स्वरूपभूत जो वस्तु है, अब अग्नि में उष्णता धर्म अनित्य नहीं है, अग्नि में उष्णता तो हमेशा रहती है, जल की शीतलता तो हमेशा रहेगी, उसका स्वरूप है। इसी प्रकार आत्मा की स्वस्थता पूर्णता शुद्धता स्वरूप होता है, इसलिए वहां पे अनित्यत्व की शंका नहीं करना चाहिए। पहले से पिता अभी भी है, आगे भी ऐसे ही रहेगा, समझना नहीं समझना वो हमारी बुद्धि है। तस्य च स्वरूपत्वेन असाध्यत्वात् न अनित्यत्व शंकित, न च साध्य, तब जब वो अपने स्वरूप भूत है, साधन की क्या आवश्यकता है, जो अपने आप को जिस प्रकार देखो लकड़ी में अग्नि है, अग्नि कभी लकड़ी को व्यभिचार नहीं करता, परंतु अभी अनभिव्यक्त अवस्था है, कोई एक साधन का तरह इसको अभिव्यक्त करने से पूरा लकड़ी में आग उत्पन्न कर देगा। ठीक इसी प्रकार से ये साधन के अनर्थ को भी नहीं है, स्वरूप होते हुए भी साधन का अर्थ क्या है, जो प्रतिबंधक बैठक उसको मिटाता है। ज्ञान में स्वरूप में साधन कुछ नहीं करता, साधन क्या करता है, तो हमारी समझदारी को सुधार देते हैं, सुधार देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि तस्य च स्वरूपत्वेन असाध्यत्वात् न नित्यत्वं शंकितव्यं, न च साधन वैयत्नम्, इसके इतने वो स्वरूप होने के कारण भी साधन की आवश्यकता नहीं, ये भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रदर्शित प्रतिबंध निवृत्ति फलत्वा, वो जो प्रतिबंध बैठा हुआ है हमारे अंदर, मतलब हमारी ठीक से हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पाते, उस प्रतिबंध को निवृत्ति फल वाला होने के कारण साधन के साफ मतलब साफल्य भी है, विफलता नहीं है, साधन की आवश्यकता नहीं, ये भी नहीं है, साधन की भी आवश्यकता है, परंतु साधन जिसको हम समझाना चाहते हैं उसको नहीं छुप पाता, साधन कहाँ छुपता है, अंतकरण छुपता, इतने मात्र काम करता है। इसलिए बोलते हैं अभी साधन के अनर्थक को भी नहीं है, साधन व्यर्थम प्रदर्शित प्रतिबंध, जो इस प्रकार के प्रतिबंध को हमने दिखाया कि निवृत्ति फलत्व, उसको निवृत्ति फल वाला होने के कारण साधन के अनर्थक नहीं थी, दृष्टांतिकम आह, इसको मन में रखते भगवान भाष्यकार अब दृष्टांत दिखाया, रोगार्थस्य रोग निवृत्तो स्वस्थता, ये हो गया दृष्टांत। दृष्टांत क्या है, तथा दुखात्मकस्य आत्मन द्वैत प्रपंच को समय स्वस्थता, ये हो गया दृष्टांत। मिला तथा प्रतीक, आपको भाष्य में तथा प्रतीक को देखिए, ये दृष्टांत भाग है, रोगार्थस्य इव रोग निवृत्तो स्वस्थता, रोग के द्वारा पीड़ित व्यक्ति का रोग निवृत्ति हो जाने पर जैसे स्वस्थता होती है, इसी प्रकार तथा दुखात्मकस्य आत्मन दुख सुरमदे, रोग हम दुखी है, ये दुखी एक रोग है, बीमारी है, दुखात्मकस्य आत्मन द्वैत प्रपंच उपशमे, है ना, ये द्वैत देखना ही जो है सबसे बड़ा बीमारी है, इस पर ये द्वैत को देखना हट जाए, सर्वम खड़े इदम ब्रह्म इदम सर्वम जगदयम आत्मा अहम एव इदम सर्वम, इस प्रकार के भाव में जब हम स्थित हो जाएंगे तब क्या होता है, स्वस्थ, ये हमारी स्वस्थता है। इसलिए साधन की अनर्थकता भी नहीं है और मुक्ति स्वरूप है, इसमें भी कोई हमारे गलती कथन नहीं है, क्योंकि साधन के साथ मुक्ति का कोई संबंध नहीं है, साधन केवल मतलब प्रतिबंधक को भेटा है, मुक्ति अब अभी भी, मुक्त अभी भी, समझे चाहे ना समझे,
निष्ठा तो आकाश का समझ लेना, अब जाने चाहे ना जाने आकाश हमेशा ही कोई उठे ननु दैतस्य टीकांति ननु दैतस्य अहंकार आत्मन वस्तुत्वा वस्तुनस्य विद्या अनुपलब्धत्वा नित्य नैमित्तिक कर्म आयत्तत्वा तत् निवृत्ते अलविद्धत्वेन प्रकरण आरम्भेन इति तत्र आह। ये भी एक नया शंका उठा रहे हैं। नया शंका क्या बोलते हैं ननु दैतस्य अहंकार आदि आत्मन, आपने क्या कहा दैत्य क्यों होता है अहंकार से शुरू होता है और अद्वैत नाम को सच्चा दिखाई पड़ता है, इसे बोलते हैं दैतस्य अहंकार आदि आत्मन वस्तुत्व। वस्तु मतलब वो पारमार्थिक वेद पारमार्थिक है वस्तु। आठ नंबर टिप्पणी में देखो, अच्छा सात सात नंबर टिप्पणी छूट गए, सात नंबर देख लीजिए अभिव्यक्ति वैशिष्ट्येन अपि न अनित्यत्वम् अस्य इति आह अस्य अर्थशास्त्रकाय इति अहसाच। ठीक है ना, अभिव्यक्ति के द्वारा विशिष्टता को प्राप्त करने पर भी अपने स्वरूप में कभी अनित्यता नहीं होती इति अहसाच। परिपूर्ण वस्तु स्वभाव पूर्ण वस्तु स्वभाव होने के कारण प्रतिबंध प्रतिबंध ध्वंस रूपाया अभिव्यक्ते अपि आत्म अनतिरेका इति भाव। ये प्रतिबंध ध्वंस रूप जो अभिव्यक्त है वो भी आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है, प्रतिबंध ध्वंस भी आत्मा के ऊपर ही दिखाई पड़ता है, इसलिए वो भी स्वरूप तो करके एक हो जाता है। ये हो गया साच, उसका साच स्वस्थता परिपूर्ण आठ नंबर के मैंने वस्तु तत्व व्यवहारिक अथवा नहीं व्यवहारिक घटा दे ज्ञान अपरतत्वम अदर्शी। देखिए क्या बोलते हैं, ये जो व्यवहार दिखाई पड़ता है व्यवहार में देखिए तो मतलब दिखाई पड़ता है, इसलिए बोलते हैं वस्तु तत्व मतलब व्यवहारिक अथवा और व्यवहारिक घटा दे व्यवहारिक घट पट उसका ज्ञान अपोद्यत्तम न अदर्शी। ये अदर्शी है लू लगा करो नहीं देखा जा गया, कभी भी नहीं देखा गया। क्या व्यवहारिक घटा देखा ज्ञान से नाश हो जाए ये कभी नहीं देखा गया, ज्ञान से नाश कौन वस्तु होती है हमारे अनुभव में है। क्या अनुभव में है कि जो भ्रांत वस्तु होते हैं जहाँ पे अधिष्ठान के ऊपर ठीक से नहीं देखने के कारण जो रक्षक को भ्रांति होते हैं अथवा बालू में पानी की भ्रांति होती है अथवा सुक्ति का में चांदी की भ्रांति होती है अथवा स्थान में चोर की भ्रांति होती है, ये भ्रांत स्थल में जो भ्रांत वस्तु है वो ज्ञान से ठीक है ना, यह हमारा अनुभव ज्ञान है। यानी कि जो वस्तु ज्ञान के द्वारा मिट जाते हैं वो कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, इसी को मिथ्या बोलता है। मिथ्या की एक परिभाषा है ज्ञान निवर्तक मिथ्या, वेदांत में जो मिथ्या की परिभाषा दी गई है उसमें एक परिभाषा ये पांच परिभाषा दी हमने दशरथ अनुसार, उसमें एक परिभाषा ये है कि ज्ञान निवर्तक मिथ्या। और ये हम सभी के बुद्धि में भी है कि जो वस्तु ज्ञान के द्वारा मिट जाते वो सत्य वस्तु नहीं होता, जैसे रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, विक्षुप्ति के ऊपर दिखाई दे रहा है चांदी, ये सब जो है ज्ञान निवर्तक परंतु ये जो घट हमको दिखाई दे रहा है व्यवहारिक घट ये तो ज्ञान से नहीं मिटती, उसको मिटाने के द्वारा ठीक मानना पड़ता है। क्या मिटती है आपको ज्ञान के बाद, ज्ञान अज्ञान दशा में ये जागृत जैसा दिखाई दे रहा है ज्ञानी को भी जगत ऐसे ही दिखाई देता है, भिन्नता क्या है, भिन्नता इतना ही है अज्ञानी को जगत सत्य लगता है और इससे हमारा पुरुष तो सिद्ध होगा ऐसा लगता है और ज्ञानी को निश्चय रहता है इसमें कोई सत्यत्व नहीं है केवल प्रतिभास मात्र है, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होगा नहीं, मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होगा, ये दोनों भिन्नता है। जब तक हम दृष्टान्त दृष्टान्त में मतलब रज्जु सर्प के दृष्टान्त देते हैं आपको स्वरूप अधिष्ठान रूपी रज्जु के ज्ञान होने पर वहाँ पे फिर सर्प नहीं दिखाई देता, ठीक है ना, आपको अधिष्ठान रूपी शुक्ति के ज्ञान होने पर फिर रजत नहीं दिखाई देता, परंतु अधिष्ठान रूपी बालू का ज्ञान होने पर भी दूसरा दिन आपको चकचिक्कता दिखाई पड़ता है जिससे जल जैसे प्रतीति होती है, परंतु मैं क्या जानता हूँ वहाँ जल नहीं है, वो हमारी प्यास नहीं बुझा सकता, ठीक है ना, ये भिन्नता होगी तो ज्ञान का फल ही होता है, वस्तु दिखाई देगा ऐसे परंतु क्या होगा हमारा निश्चय रहेगा कि वहाँ पे पानी नहीं है, तब उससे हमारी पुरुषार्थ प्यास बुझाने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, ये निश्चय वहां क्योंकि वो सत्य जल नहीं है, प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक जल है वो, ठीक है ना, परंतु प्रातिभाषिक वस्तु तो ज्ञान से मिट सकते हैं, व्यवहारिक वस्तु तो ज्ञान से नहीं मिटती। आपको जगत व्यवहारिक दिखता है परंतु शास्त्र से जगत प्रातिभाषिक ही प्रातिभाषिक है, इसी को शंका को उठा रहे, ठीक है। ननु दैतस्य अहंकारा
ही व्यवहारिक घटा दिए ज्ञान और बोध्यत्व आदर्श व्यवहारिक घटा दिए में और लूम लगा कर उस आदर्श न आदर्श नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि वस्तु वस्तुनश्च विद्या अनपनद्यत्व, जो वस्तु होता है वो ज्ञान के द्वारा नाश नहीं, प्रातिभाषिक वस्तु ज्ञान के द्वारा नाश होता है, व्यवहारिक वस्तु ज्ञान के द्वारा नाश नहीं होता है। इसलिए वो कैसे नाश होगा, नित्य नैमित्तिक कर्म आयत्व, नित्य नैमित्तिक कर्म के द्वारा आप उसको नाश कर सकते हैं। मतलब कोई कर्म चाहिए, व्यवहारिक वस्तु को नाश करने के लिए कर्म चाहिए, तब निवृत्ति, इसीलिए उस अज्ञान को निवृत्ति के लिए अलम विद्यार्थिन प्रकरण आरम्भ है, इसीलिए ज्ञान के लिए प्रकरण शुरू करने की अलम यहाँ पे आवश्यक नहीं है, इसका कोई प्रयोग उपयोगिता नहीं, अलम शब्द शब्द में प्रयोग, अलम विद्यार्थिन विद्या के लिए प्रकरण आरम्भ है, प्रकरण का आरम्भ करने की आवश्यकता नहीं है। इति तत्र आह, इस प्रकार की शंका उठने पर तब भगवान भाष्यकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्वैत प्रपंचस्य अविद्या भाष्य में द्वैत प्रपंचस्य अविद्या कृतत्वा विद्या प्रारूप समस्या इति ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरम्भ क्रियते, है ना, द्वैत प्रपंच अविद्या कृत, ठीक है ना, अज्ञान से जो वस्तु प्रतीति होती है वो ज्ञान से ही मिटती है और इसी को हम मिथ्या भी बोलते हैं, ज्ञान निवर्तकत्व मिथ्यात्व प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व मिथ्यात्व, जो वस्तु जहाँ पे दिखाई दे उस वस्तु उसी स्थान में ही अगर निषेध हो जाए उसको मिथ्या बोलते हैं, और प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व मिथ्यात्व, मतलब कोई एक अधिष्ठान में जो वस्तु आपको दिखाई दे रहा है आप स्वयं निर्णय करते हैं, जब तक मैं नहीं देख रहा था उस समय भी वह आप नहीं था, जिस समय मैं देख रहा था उस समय भी वह सर्प नहीं है, जिस समय मुझे ज्ञान हो गया उस समय भी वह सर्प नहीं है, तीनों काल में जिस वस्तु का जहाँ पे दिखाई दे रहा था हमें वहाँ सर्प दिखाई दे रहा था, हम डर गए थे और आप ये बता रहे यहाँ सर्प नहीं है, सर्प नहीं है, हमारे वहाँ के सर्प का डर मिटाने वाला नहीं होगा, जहाँ पे जो वस्तु दिखाई दे रहा है वहीं पे यदि उस वस्तु का निषेध हो जाता है उसको मिथ्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या होगा, ये आत्मरूपी अधिष्ठान में इस शरीर रूपी वस्तु की जो आत्मबुद्धि हो रहा था ये यहीं पे निषेध होना चाहिए, तब जाकर बोल रहा है, और फिर दोबारा नहीं है, वो दोबारा नहीं आ सकता, जहाँ पे आपने एक बार सर्प भ्रांति आपका मिट गया वहां पर वस्तु पता रहने पर भी आपके दिखाई देने पर भी आपको भ्रांति नहीं होगी, जगत को अनित्य में पूर्व मीमांसा दर्शन को छोड़कर के सभी वादी ने जगत को अनित्य तो माना, परंतु वेदांत जगत को मिथ्या बोलते हैं, मिथ्या और अनित्य वस्तु में ये भिन्नता है, अनित्य वस्तु को मारने के लिए आपको लट्ठी चाहिए और उसका कुछ रेसिड्यू रह जाएगा, कुछ शेष रह जाते हैं, अनित्य वस्तु को जब मारेंगे कोई ना कोई साधन चाहिए और उसका कोई ना कुछ रह जाएगा, सर्प को मारेंगे तो मृत सर्प का शरीर पर और मृत सर्प के शरीर को आप जलाएंगे तो कुछ राख बचा रहेगा, तो राख बचा रहेगा तो उसको पानी में डालेंगे तो पानी रह जाएगा, पानी रूप में रह जाएगा, परंतु मिथ्या सर्प को जब ज्ञान के द्वारा नाश हो जाएगा उसका क्या बचेगा, केवल मात्र अधिष्ठान के बिना उस सर्प का कुछ भी नहीं बचेगा, ये मिथ्या और अनित्य वस्तु ये भिन्नता है, इसीलिए वेदांती जगत को मिथ्या ही बोलते हैं, मतलब आपके मन से हमेशा के लिए इससे मेरा कोई प्रयोजन क्षेत्र होने वाला नहीं है, ये निश्चय हो जाएगा, दैत अहंकार ठीक है, दैत भगवान भाष्य दैत प्रपंच में दैत जो प्रति विस्तार धातु है, मतलब ये भेद के कारण जो विस्तार दिखाई पड़ते हैं, अविद्या के तत्व तो स्वरूप अधिष्ठान की अज्ञान के कारण, रज्जु रूपी अधिष्ठान के अज्ञान के कारण हमें वो सामने है, इदम अंश रज्जु ये है, पहले ये सर्प है, ये सर्प है, फिर बाद में क्या बोलते नहीं ये रज्जु है, तो ये है ये सामान्य अधिष्ठान और इसका नाम रूप की भिन्नता होती है ना, तो इस अधिष्ठान के द्वैत प्रपंच जो दिखाई पड़ते हैं अधिष्ठान वही है, केवल भ्रांति से प्रतीत होते हैं, क्यों आपने अधिष्ठान को ध्यान से नहीं देखा, अच्छा बात देखने के लिए जो प्रकाश है ये वो नहीं था, ये प्रमाता का तो दोष होता है, प्रमेय का तो दोष होता है, प्रमाण का तो दोष है, तीन दोष के कारण
में दोष आंख ठीक नहीं है इस कारण से उसे प्रमेय में दोष प्रमेय मतलब उतना स्पष्ट रूप में पड़ा नहीं है एक रस्सीठा परंतु सीमेंट में लग करके काला पूरा दिखाई पड़ता है और एक प्रमाता लगा दोष प्रमाता के अंदर सड़क को भाग भाई भाई से बैठा हुआ है एक ही हो गया देश अथवा रागात मन दोष हमें अर्थ प्राप्ति की इच्छा मन से रहता है इसलिए शिष्य का टुकड़ा देख कर कि वहां पर कोई चांदी का टुकड़ा को प्राप्ति होती है ये प्रमाता का दोष और चांद शिष्य में ही चांदी दिखेगा शिष्य में सड़क को नहीं दिखेगा फिर प्रमाता का दोष तो है ही मुख्य तो प्रमाता का ही दोष है और आपका उस दृष्टि में देखिए दो हमारा चार दृष्टि तो देते हैं क्या क्या रज्जु सर्प और आपका स्थाणु पुरुष रज्जु सर्प और स्थाणु पुरुष की भ्रांति आपका हल्का अहंकार अंधकार में होगा रज्जु सर्प और स्थाणु पुरुष की भ्रांति आपको हल्का अंधकार पुरुष ना ना कटा हुआ पेड़ को चोर समझ जो देखते हैं जो करते हो सही है इसलिए बोलते हैं यहाँ पे
है, ये संबंधित कोई प्रमाण ही नहीं है। ये संबंधित आपको तो ये अज्ञान के कारण मैं ये दिखाई दे रहा हूँ, इतना विविध मैं जानता हूँ, ये वस्तु है, ये वस्तु है, इसलिए विद्यमान है, उसके विद्यमान कोई शरीर है, इस विषय में न प्रमाण अस्ति, इस प्रकार से प्रमाण नहीं है। तो ठीक बोल रहे हैं आप, आपको यह नहीं लगता है अभी ये विषय शास्त्र को देखो, आप ये भेद देखना, शास्त्र एकत्र बोलता है तुमको भेद दिखाई पड़ते हैं, यानी कि अविद्या सत्य भेद सत्यम अविद्या भेद अभाव, ये अन्य अज्ञाति है, अविद्या सत्य भेद सत्यम अविद्या अभाव भेद अभाव, ये अन्य व्यतिरेक के माध्यम से श्रुति प्रमाण के सहारे, श्रुति अपने अनुभव से बोलने से मानेगा नहीं, हमारा आपका अनुभव भी जो है हमारा अनुभव भी वही है, चाहे हम ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, हमको भारत भेद दिखाई पड़ रहा है नहीं, पर आप शास्त्र प्रमाण के आधार पर हम आपको दिखाएंगे, देखो कि अज्ञान के कारण भेद दिखता है, ज्ञान होने पर भेद दिखता है, ये अन्य अज्ञान सत्य भेद सत्य, इसलिए आप बोलते हैं कि न च द्वैतस्य अविद्याकृतस्य विद्यमान देहत्य प्रमाणमस्ति, द्वैत प्रपंच अविद्याकृत है, इस विषय अज्ञान संबंधित कोई वस्तु है ये तो हमें इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है, इति आशंक अन्य असामान्य बुद्धिमान व्यक्ति उसको यदि कोई कहते हैं बड़े पोस्ट में काम भी कर रहे हैं, विद्वान भी है, कई डिग्री भी है, पीएचडी आदि, उसको कोई कहता है तू अज्ञानी है, उल्टा आपको मारते हैं, शास्त्र दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टि से नहीं, ठीक है ना, इव शब्दाभ्याम वो
बारी वो जीव शब्द है कहां दो बारी वो है यत्र हि दैतम इव भवति ये पहला इव और यत्र तु अन्न इव या दुष्टस्य इव शब्द अभ्याम दो इव शब्द के द्वारा से क्या दिखाना चाहती है इव शब्द अभ्याम अविद्या अवस्थाया अज्ञान के कारण आपको भेद जैसा दिखाई भेद जैसा दिखाई पड़ता है परंतु वास्तविक वहां पे एक ही रज्जु ही सर्प जैसा दिखाई पड़ता है अज्ञान के कारण रज्जु ही सर्प जैसा दिखाई पड़ता है ना वहां पे हमारे देखने से पहले सर्प थे जिस समय मैं देख रहा हूँ उस समय वास्तविक सर्प वहां पे नहीं है और जब ज्ञान होता है तब हमारा निश्चय हो जाता है दीर्घ काल में हम सर्प के विषय को भी अध्यास करते हैं और एक होता है कि स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास स्वरूप अध्यास और ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष्य में स्पष्ट करते हैं स्वरूप अध्यास मतलब आरोपित वस्तु का स्वरूप को आपने रज्जु के ऊपर आरोप किया स्वरूप अध्यास किया और क्या संसर्ग अध्यास मतलब रज्जु के धर्म को अपने सर्प के ऊपर आरोप कर दिया और सर्प के धर्म को आपने रज्जु के ऊपर भी सर्प के धर्म आपने रज्जु को रज्जु के क्या कर दिया आपने कि रज्जु जहरीला है रज्जु काटने आ रहा है वास्तविक सर्प के धर्म है तो सर्प के स्वरूप अध्यास भी आपको ध्यान रखना है स्वरूप अध्यास भी और संसर्ग अध्यास दो होता है जिस वस्तु का हम आरोपित करते हैं उस वस्तु का स्वरूप अध्यास भी होता है संसर्ग अध्यास भी होता है और रज्जु का संसर्ग अध्यास होता है कहाँ आरोपित वस्तु में स्वरूप अध्यास नहीं होता तब रज्जु भ्रांति हो जाएगी अधिष्ठान
अध्यास और स्वरूप अध्यास, जो आरोपित वस्तु है उसमें स्वरूप अध्यास भी होता है, संसर्ग अध्यास भी होता है, और जो अधिष्ठान है उसका संसर्ग अध्यास होता है। जैसे उस लंबा चौड़ा वह सर्प में आरोप कर देती है, सर्प इतना है, परंतु वहां स्वरूप अध्यास नहीं होता। अर्थ अध्यास और ज्ञान, इसको दूसरा शब्द में बोलते हैं, आपने विषय को आरोप किया और विषय आरोप के बाद आपने उसके ऊपर ज्ञान भी हुआ, मतलब मैं सर्प है वो मैं जानता हूँ, ये बोलते हैं। इसलिए मांडू को कार्यकाल में आगे बोलेंगे चकार दिया हुआ है ना, तो चकार इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो आपका वस्तु दिखाई दे रहा केवल इतना मात्र नहीं, वो वस्तु का जो ज्ञान हो रहा है वो दोनों भी विषय का भी अभाव है और विषय संबंधित जो ज्ञान हो रहा है इसका भी अभाव, ये भी मिलता है, इस ज्ञान का भी अभाव हो जाता है। इस ज्ञान का भी विषय में बोलते हैं कि अभ्याम प्रतिभात, जो बोल रहे हैं ना अभ्याम अर्थ अध्यास ज्ञान अध्यासो अदर्शी शाताम, ये लुम पैसिव है ना, यहाँ पे जो है इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है इसके दो ईगो शब्दों के द्वारा, जो क्या होता है यहाँ पे जो है कि आपने क्या किया, अपने विषय को भी अध्यास किया और विषय का ज्ञान को भी अध्यास कर लिया, विषय और विषय का ज्ञान दोनों ही अपने मन में कर लिया। विषय भी नहीं है और उद्योग नहीं है, उसका ज्ञान कैसे होगा, कब होगा ज्ञान, जब आपको अधिष्ठान के ज्ञान का तब आपको पता लगेगा। क्या पता लगेगा, जो सर्प मैं देख रहा था वो भी मिथ्या है, वो जो सर्प का ज्ञान हुई थी मुझे मुझे भी वो ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान नहीं, आप स्वयं निश्चय करेंगे उसको। सर्प और सर्प के ज्ञान ये हो गया अर्थवादर्श और ज्ञान अध्यक्ष, ठीक है ना, और अधिष्ठान के ज्ञान होने पर क्या हो गया दोनों मिल जाएगा। आप इसको दृष्टान्त में घटाएंगे, दृष्टान्त क्या है, अपने स्वरूप, अपने स्वरूप में बाहरी वस्तु नहीं अपने शरीर की अध्यक्ष, ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ अध्यक्ष और अर्थ इसका ज्ञान मैं शरीर हूं, ये भी ज्ञान अध्यक्ष हुआ कि नहीं, आप आत्मबोध होगा दोनों जाएगा, शरीर है ना शरीर का दोनों मिथ्या था, बाकी बाहरी वहां पे बाहरी जगत इतना समस्या के कारण नहीं है, अंतिम मतलब सबसे बड़ा पहाड़ यहां बैठा हुआ, यहां से तादात्म्य छूटता नहीं था, बाहरी वस्तु को शरण फंसा हो जाता है, यहां तो जो सत्य तत्व बुद्धि बैठा हुआ है वो व्यक्ति झूठा है मिथ्या वो तो मान लेंगे, मैं झूठा नहीं कैसे हो सकता, ये शरीर झूठा कैसे मैं बोल सकते, ये जो है ये अर्थ अध्यास है ज्ञान, मतलब अपने शरीर को अर्थ समझना और ये शरीर में ही ज्ञान समझना, ये कब जाएगा अधिष्ठान तक, तो उपदेश में व्यापकता पूर्णता के ज्ञान से अभ्याम अर्थ अध्यास ज्ञान अध्यासो अध्यासो आदर्श शास्त्र में रूप ऐसी नहीं है, रूप ऐसी तो ये हो गया कि कौन सा टिप्पणी था, प्रतिभा से ठीक है ना, प्रतिभा से द्वैतस्य तत् प्रतिभानश्च आभासत्वेन अविद्यामयत्वं उच्यते, वो आभास तैसी हो अविद्या से प्रभाव है आत्मैव अभिदिश्य में आपको सब स्वरूपभूत हो जाता है। विदुषो अविद्या अवस्थायां कर्ति करणादि सर्व सर्व आत्म मात्र न अतिरिक्तम अस्ति इति उक्त्वा, ठीक है ना, विज्ञानी का विदुष ज्ञानी का विद्या अवस्थायां ज्ञान अवस्था में उस समय जीवित रहता ज्ञान मतलब इन्हें कब मर जाएंगे, जीवन मुक्त अवस्था में क्या होता है बोलते हैं विदुषो विद्या अवस्थायां कर्ति करणादि कर्ति करण कर्म जो भी कारण दिखाई पड़ता है कर्ति करण आदि सर्व में सारा चीज आत्म मात्र मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, मैं ही इसका कर्ता भी कर्म भी करण भी अशुद्ध चेतन मात्र न अतिरिक्त मस्ती इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ करते सर्वम आत्म ही बाहु, इसका अर्थ करते हैं ठीक है ना, यत्र तु अस्य सर्वम आत्म ही बाहु की श्रुति वाक्य के अर्थ करते अस्य मतलब अस्य विदुष अस्य विदुष विद्या अवस्थायां कर्त्य करणादि सर्वम आत्म मात्र न अतिरिक्तम अस्ति इति उक्त्वा, इसका अर्थ के द्वारा विद्या द्वारा ज्ञान की बल से सर्वस्य दैत्यस्य जितना सारे भेद वस्तु दिखाई पड़ते सबका आत्म मात्रत्व वचन दिशा क्या हो गया, इदम इदम सर्वम जदयम आत्मा इस सूर्य को इदम इस आत्मा मात्र
उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए बोलते हैं आत्ममात्रत्व वचन इस प्रकार कथन से विद्या निमित्ता विद्या के निमित्त से कार्य कारण आत्मक द्वैत निवृत्ति आत्मा एव इति अभिलक्षते। ये विद्या से क्या होता है, जो वस्तु नाश होता है उसको मिथ्या कहा जाता है, ज्ञान निवर्तन करता मिथ्या हमने बोला, जो कि यहाँ पे दिखा गया है कि विद्या निमित्ता कार्य कारणात्मक द्वैत निवृत्ति कार्य कारणात्मक जो द्वैत प्रपंच दिखाई पड़ता है ज्ञान से वो मिट जाते हैं। यानी कि कार्य कारणात्मक द्वैत प्रपंच पारमार्थिक नहीं है, वो क्या उठाया था, ये तो व्यवहारिक है सत्य तो है, यहाँ पे बोलते नहीं ज्ञान के शास्त्र क्या दिखाते हैं पे ज्ञान निवर्तन करता हूँ ज्ञान के द्वारा मिट जाते हैं द्वैत प्रपंच ज्ञान के द्वारा मिट जाते, इसलिए वो पारमार्थिक नहीं है, वो मिथ्या है। मिथ्या की परिभाषा तुम स्वयं ही जानते हो कि ज्ञान के द्वारा जो वस्तु मिट जाते हैं वो मिथ्या होते हैं, ज्ञान निवर्तन Yeah.